हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई वीडियो सो टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ प्रोज फर्स्ट हाउ टीचर्स लर्न टीचर्स कैसे सीखते हैं बाय जॉन हॉल्ट सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस लेसन द नरेटर एक्सप्लेन्स हाउ ही लर्न अबाउट अ चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम अ फाइव ईयर ओल्ड गर्ल नेम नोरा इस पाठ में नरेटर बताते हैं कि एक नोरा नाम की लड़की जो कि पाँच साल की थी से एक बच्चे की सीखने की प्रक्रिया के बारे में कैसे सीखा द नरेटर हु इज़ अ टीचर सेज ही लर्न फ्रॉम नोरा अबाउट द थिंग्स चिल्ड्रन डू एंड द प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन फेस वाई लर्निंग टू रीड नरेटर जो कि एक टीचर थे कहते हैं कि उन्होंने नोरा से सीखा जो बच्चे चीज़ें करते हैं और जो उन्हें कठिनाइयाँ यानी मुश्किल आती है पढ़ते समय उसके बारे में नोरा वॉज अ फाइव ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ द फैमिली द ऑथर वॉज विजिटिंग ओवर अ वीकेंड शी केम टू द टीचर टू सीक हिज हेल्प इन रीडिंग अ बुक कॉल्ड हॉप एंड पॉप नोरा जो कि पाँच साल की लड़की थी उसके परिवार में एक दिन ऑथर यानी जो नरेटर हैं इस प्रोस के वो उनके घर विजिट करते हैं यानी आते हैं और वो नोरा अपनी बुक जिसका नाम हॉप एंड पॉप है वो लेके नरेटर के पास आती है कि वो उसकी मदद करें इस बुक को पढ़ने में इन ड्यू कोर्स द नरेटर फाउंड थ्रू नोरा वॉज अ ब्राइट चाइल्ड येट शी फाउंड सर्टन वर्ड्स डिफिकल्ट जो नरेटर थे जब नोरा पढ़ रही थी उन्हें पता चल गया था कि जो नोरा है वो बहुत ही ब्राइट यानी इंटेलिजेंट लड़की है लेकिन उसे कुछ वर्ड्स पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है एंड और थिंग विद नोरा शी मिस रीड अ वर्ड और एक अजीब सी चीज हुई नोरा के साथ वो एक वर्ड को अलग से अजीब से पढ़ रही थी लाइक like, उसे करेक्टली बोलना नहीं आ रहा था शी हैड करेक्टली रीड अर्लियर उसने बाद में उसे ठीक से पढ़ लिया था She repeated this mistake a number of times. जैसे-जैसे वो अपनी बुक को पढ़ रही थी, वो वही शब्द को बार-बार गलत ही बोलते जा रही थी। The teacher was puzzled and annoyed as he thought that the Nora was being careless. But then the narrator remembered a learning experiment he had done years ago. जो teacher थे, वो confused हो रहे थे, यानी puzzled लो रहे थे, annoyed यानी गुस्सा हो रहे थे। ये सोच सोच के ये देख देख के कि जो नोरा है वो कितने केयरलेस है वो बार बार एक ही चीज को गलती से गलत सा पढ़ रही है को याद आता है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ सालों पहले ही इंडियन लैंग्वेज वो कहते हैं कि उन्होंने एक बार प्रिंटेड पेपर की शीट ली अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस की एंड ट्राई टू फाइंड द वर्ड्स डेट वर रिपीटेड ऑन द पेज और उन्होंने वो वर्ड फाइंड करने की कोशिश की जो एक पेज पे बार बार रिपीट हुए थे इट वॉज सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट देज लुक नथिंग बट अ जम्बल ऑफ स्ट्रेंज शेप्स ये बहुत मुश्किल काम था जो पेज था उस पर ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था लेकिन सब उल्टे फुलटे वर्ड्स ही दिख रहे थे अलग अलग शेप्स जैसी देन ही अंडरस्टेंड दैट फॉर अ चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस quite hard it takes a child sometimes to get used to new words and to see a glance the similarities and differences। जब नरेटर ने न्यू शीट जो अलग अलग लैंग्वेजेस की थी वो देखना चालू की तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी बिकॉज उनको जो एक दो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो आती थी उन्हें वही समझ आ रही थी जो बाकी लैंग्वेजेस के पेजेस देख रहे थे वो उनको ऐसे लग रहा था कि अलग अलग शेप्स बनी हैं तो उन्हें समझ आया कि एक बच्चे के लिए पढ़ना भी इतना ही मुश्किल होता है और नए नए वर्ड्स वो अचानक से नहीं सीख पाता है और उन्हें भी वही सिमिलैरिटीज़ वही डिफरेंसेस जानने में बहुत वक्त लगता है इट इज़ देर फोर नससरी दैट टीचर मस्ट ट्राई टू सी थिंग्स थ्रू द आईज ऑफ अ चाइल्ड तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक टीचर है वो चीज़ों को बच्चों की आंखों से देखे लाइक like, जैसे बच्चे समझते हैं जितना टाइम बच्चे लेते हैं उन्हें समझना चाहिए कि बच्चों को कितना वक्त लगता है इस चीज़ को समझने पढ़ने में द नरेटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट चाइल्ड्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन शुड बिगेन ओनली आफ्टर ही हैज़ बीन गिवन एम्पल टाइम टू फैमिलियर विद द शेप्स ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स नरेटर का ये ओपिनियन है नरेटर का ये कहना है कि जो एक बच्चा है वो तभी प्रॉपरली सीख पाता है जब वो फेमिलियर होगा सभी शेप्स सभी लेटर से लाइक उसे पता ही नहीं होगा कि ए की शेप कैसी होती है ए कैसा लिखा जाता है तो वो तब तक जो न्यू वर्ड सीखेगा उसे कभी नहीं जान पाएगा जब तक उन्हें शेप्स और वर्ड्स लेटर्स नहीं पता होंगे वो किसी चीज़ के साथ अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा वन ऑफ द रीज़न वाई चिल्ड्रन From from illiterate homes are at a is that they lack familiarities with shape of of words and letters from the beginning of their learning. karan hai un anpad एटवा के लिए जिनके families में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है और उन्हें स्टार्टिंग से ही वर्ड्स और लेटर की पहचान नहीं होती है बिकॉज उनकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो स्टार्टिंग से ही बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं कि ये वर्ड कैसा होगा इसकी शेप कैसी होगी ये एक बहुत बड़ा कारण है उन बच्चों के लिए जो अच्छे से सीख पढ़ नहीं पाते हैं सो तो इस प्रोज में आपने देखा एक पांच साल की लड़की जिसका नाम नोरा है वो कैसे नरेटर को बता देती है कि सबके लिखने पढ़ने की क्षमता अलग होती है और नरेटर भी ये बता रहे हैं कि जब तक आप लेटर्स वर्ड्स की पहचान नहीं कर पाओगे नहीं आपको पहचान होगी आप तब तक कुछ भी अच्छे से नहीं सीख पाओगे सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड वेल डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल डू हिट द बेल आइकन एंड प्लीज चेकआउट माई प्ले लिस्ट क्लास एट्थ इंग्लिश फॉर मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक थैंक यू